ऐसी क्या घटना घट जाती है उस कंट्री के अंदर कि एक पूरे संप्रदाय के खिलाफ वहां के शांत रहने वाले भिक्षु, जो कि सिर्फ प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, जो ध्यान में रहते हैं, जो केवल अपनी आत्मा की और परमात्मा की बात करते हैं, सभी को शांति का संदेश देने वाला बुद्ध रिलीजन है, उस धर्म के भिक्षुओं को ऐसा आंदोलन करना पड़ता है? क्या रीजन है? कभी आप सोचो दोस्तों, हिंसा कौन फैलाता है? किस रिलीजन के लोग जो हैं पूरी दुनिया में इस वक्त हिंसा और आतंकवाद फैलाए हुए हैं? मैं सभी को आतंकवादी या ऐसे शब्दों से जो मैं सम्मानित नहीं करना चाहता, परंतु सोचने वाली बात यह है कि जितने भी इस प्रकार के कार्य होते हैं जो धर्म विशेष के साथ जुड़े हैं, वो किस रिलीजन के साथ जुड़े हैं और वो क्यों इस तरह का कार्य करते हैं? क्योंकि उनके धर्म में इस तरह की बातें उनको सिखाई जाती हैं। अब हम उनके धर्म की बात नहीं करेंगे, आज हम अपने रिलीजन की बात करेंगे। हमारे रिलीजन के अंदर शांति, प्रेम, दया, दान, धर्म, ये सब कुछ सिखाया गया। अब हमारे रिलीजन में एक चीज भगवान ने गीता में अर्जुन को कही कि अर्जुन धर्म युद्ध कर। वो क्यों कही? भगवान स्वयं कृष्ण भगवान एक बड़ा नरसंहार करने के लिए अर्जुन को प्रेरित करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? और उस जमाने में हर सनातन धर्मी को जो है शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी, हर तरह से उसको युद्ध में संपन्न होना सिखाया जाता था। परंतु भारत कब से वंचित हो गया इस सबसे, और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए भारत जो है आज नपुंसकता की तरह एक बैठा हुआ है, हाथ पे हाथ धर के, और अपने धर्म के लिए कोई आवाज भी उठाता है तो उसको सेकुलर और इस तरह के शब्द जो लोग होते हैं आ जाते हैं बीच में और अपनी टांग अड़ा के अपना अपना ज्ञान बखारते हैं और उनको कहते हैं कि तुम तो है धर्म निरपेक्ष नहीं हो, तुम जो है सभी धर्मों के खिलाफ बोलते हो और एक पर्टिकुलर धर्म को आप टारगेट करते हो। कोई भी मुझे ये प्रूव करके दिखा दे कि सनातन धर्म में आज तक किसी संत ने किसी धर्म के खिलाफ ऐसी प्रचार किया हो कि आप जो है शस्त्र उठाओ, अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने बच्चों को लड़ना सिखाओ। आज क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि आतंकवाद जिस धर्म से जुड़ा हुआ है, इस बात से हर बच्चा इस बात से पूरी तरह से इस बात को जानता है। और हमें समझने की बात यह है कि शांत रहने वाला, बिल्कुल मैं जिसको कहता हूँ शांत रहने वाला म्यांमार देश, वहां के भिक्षुओं को ऐसी आवश्यकता ही क्यों पड़ी? क्योंकि वहां पर रोहिंग्या लोगों ने इतना आतंक मचा के रखा हुआ था, हर किसी को मारते थे, आते जाते के साथ किसी का भी गला रेत देते थे, छोटी छोटी बातों के लिए वहां पर जो है दंगे होते थे, इंसानों का मांस खा लिया जाता था। तो इस तरह से वहां पर ये सारी घटनाएं होने लगी तो वहां के लोग बुरी तरह से त्रस्त हो गए। तब जाकर के अश्विन विराथु ने एक संकल्प लिया कि मुझे ही अपने धर्म के लिए लोगों को जागृत करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग जो हैं पूरे देश को इस धर्म, इस दुनिया से, इस धर्म देश से जो है बौद्ध धर्म का ही सत्यानाश करके रख देंगे। इसलिए वो एक भिक्षु जागा और उसने ना जाने कितने लोगों को प्रेरित किया और उसने जो है पूरे तरह से जो है मुस्लिम धर्म के लोगों के साथ अपने संपर्क तोड़ लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया और उसका परिणाम हमने क्या देखा, वो सभी लोग अपना देश छोड़कर भागने के लिए विवश हो गए। वहां जरूरत पड़ी तो उन्होंने उन पर हथियार भी चलाए, बौद्ध बौद्ध लोगों ने, बौद्ध धर्म के लोगों ने हथियार चलाए, वहां मार काट हुई, उनको मार मार कर भगाया गया। ऐसे शांत रहने वाले लोग किस तरह से विवश हुए होंगे आप दोस्तों अपने आप कल्पना कर लीजिए। अब सबसे पहली बात तो ये है कि आज इस वीडियो में हम ये चर्चा नहीं कर रहे हैं कि हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने हैं। वो तो एक बच्चे को भी पता है जब सामने उसके कोई हथियार लेके खड़ा होगा तो अपनी रक्षा करने के लिए कुछ तो वो करेगा ही। पर दोस्तों जब 100 लोगों की भीड़ या 1000 लोगों की भीड़ जब 2, 4, 5 लोगों पर नहीं, अच्छे लोगों पर जब हमला करेगी, तब आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात आप समझ लीजिए, आपका धर्म बहुत बड़े खतरे में ऑलरेडी पड़ चुका है। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी दूसरे धर्म पर अटैक करो, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वो अपने धर्म को फॉलो करते हैं, आप अपने धर्म को फॉलो करो। जब आपके रिलीजन पर एक बात आपके भगवान श्री कृष्ण ने आपको कही है कि धर्म, जहाँ अधर्म हो रहा हो तो धर्म के पक्ष में खड़े हुए लोगों को अधर्म के खिलाफ जो है युद्ध करना चाहिए, उनके खिलाफ जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, पर भारत में ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों। आप सब ध्यान और शांति और ये सब के पीछे चलिए, परंतु अपने धर्म की रक्षा करने के लिए जो भगवान ने आपको आपकी गीता में जो उपदेश दिए हैं उसमें आपको सभी उपदेशों को फॉलो करना है। आपको अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए सदा तैयार रहना है,
किसी पर अत्याचार ना करना हमारा जो वसुदेव कुटुंबकम का जो हमारा जो ध्येय है सनातन धर्म का उस पर हमें सदा रहना है। हमें सभी से प्रेम भी करना है, सभी पर दया भी करनी है, परंतु साथ साथ उन लोगों को कतई नहीं बख्शना जो कि निहत्ते और मासूम लोगों की जान लेते हैं, निहत्ते और मासूम लोगों पर अपने धर्म के नाम पर बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं और उनको जो है मौत के घाट उतारते हुए जिनको जरा भी शर्म नहीं आती कि हम ईश्वर के नाम पर इस तरह के कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आज आपको हर प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को पहुँचाना है जो कि शांति के साथ है। मैं किसी धर्म की विशेष की बात नहीं करता, जो इस दुनिया में केवल शांति फैलाना चाहता हूँ। आज हम जो बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, बुद्ध ने अपने रिलीजन के अंदर जब उन्होंने पंथ बनाया तो सभी को भिक्षु बनाना शुरू किया। समझने वाली बात यह है कि ये ज़्यादा दिन तक हो नहीं सकता था। एक ना एक दिन ये जो म्यांमार में घटना घटी ये इन लोगों के साथ होनी ही थी। कोई भी जो प्रॉपरली बुद्धिस्ट कंट्री है वहाँ पर जो है विवाह ना करने की जो परंपरा चल पड़ती है सभी लोग जो है भिक्षु बनने भाग पड़ते हैं, तो आगे उस धर्म की जो जनसंख्या है वो बढ़नी रुक जाती है। वहाँ पर एक समाज के अंदर जो है एक डिसबैलेंस पैदा होना शुरू होता है। ये बुद्ध ने उस वक्त ना जाने, बुद्ध ने तो अपने लिए संन्यास लिया था, बुद्ध तो केवल अपनी आत्मा की खोज के लिए निकले थे। और बुद्ध की पत्नी ने उनसे कहा कि क्या जो तुमने जंगल में रहकर मुझसे दूर भाग करके पाया क्या तुम वो घर पर रहकर नहीं पा सकते थे? तो बुद्ध ने क्या उत्तर दिया, मैं बिल्कुल पा सकता था पर उस वक्त मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, अगर मुझे इस बात का ज्ञान होता तो मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाता। तो फिर जब बुद्ध जब जागृत हुए तो उसकी पत्नी ने कहा तो अब आप वापस लौट आए हैं? उन्होंने कहा अभी तो मैं इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता, अब तो मेरा जो कर्तव्य है इस दुनिया को जगाने का कर्तव्य है। और जब भी कोई इंसान अपने भीतर उस परम दिव्य रोशनी को देख लेता है, अपने उस असली स्वरूप को जान लेता है, तो निस्संदेह मेरे दोस्तों उसका ये कर्तव्य बन जाता है, उसकी ये कंडीशन बन जाती है कि उसको दुनिया को वो सच बताना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जिस दुख से वो निकला होता है वो अच्छी तरह उस बात को जानता है कि इस महादुख से निकलने का केवल यही एक मार्ग है और वो है ध्यान। तो बुद्ध ने जब ये सारी चीज़ें जब प्रचलित की, जब उन्होंने लोगों पर जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू किया, तो सभी गांवों के लोग जो थे, बड़े बड़े राजा महाराजा अपना सब पद त्याग करके, यहाँ तक कि उंगुली माल डाकू तक जो दिन में पता नहीं कितने लोगों की उंगलियां काट डालता था, सिर काट डालता था, वो तक बुद्ध का भिक्षु बन गया। सोचो, तो ऐसी जब दुनिया हो जाती, जब सभी भिक्षु बन जाते तो फिर तो संसार आगे नहीं बढ़ता। तो इसलिए इस धर्म के अंदर ये सबसे बड़ी त्रुटि थी। और बौद्ध धर्म के अंदर अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हथियार उठाने की कोई बात नहीं कही गई। धम्म पद के अंदर केवल और केवल एक चींटी के अंदर भी परमात्मा बसता है, यही बात सिखाई गई और ये सच्चाई बात है। बुद्ध ने हमेशा प्रेम का संदेश दिया। धर्म, बौद्ध धर्म जो है बहुत एक प्रेम फैलाने वाला देश है, प्रेम फैलाने वाला धर्म है। तो फिर अब इन लोगों को आज हिंसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अब यहाँ पर मूल कारण ये आ जाता है, जब एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग अगर आपके मूल नाश के लिए प्रेरित हो जाए तो आपको हिंसा करनी पड़ेगी, नहीं तो आप जीवित कैसे रहोगे, आपके बच्चे जिंदा कैसे रहेंगे? तो ये सब चीज़ें जब इन देशों में घटने लगी, आज तो आप देखोगे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, बड़े बड़े देशों के अंदर ये सब आम आए दिन की बातें हो गई। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अमेरिका का इतना बड़ा सेंटर, उस पर इस्लाम के नाम पर एक आतंकवादी हमला कर दिया जाता है। आप सोचो ना कितनी बड़ी बात है, 1500 पता नहीं कितने लोग उसमें मारे जाते हैं। आप सोचो निर अपराध लोगों की हत्या की जाती है, सिर्फ उनके माइंड में एक चीज डाली जाती है, जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है और वो इस दुनिया में जीने का अधिकारी नहीं है, उसकी बीवी, उसके बच्चे, कोई भी जीने का अधिकारी नहीं है। ये सब चीज़ें जब दोस्तों जब कोई बच्चे को पढ़ाई जाएंगी, वो छोटा बच्चा क्या सोचकर अपना बड़ा होगा? और जब उसको शिक्षा भी नहीं दी जाएगी और छोटी उम्र में 10-12 साल की उम्र में उसके हाथ में हथियार दे दिए जाएंगे, तो आप सोचो कि आपको अब क्या करना है? अब आपने अपने आप की रक्षा करनी है। अब निर्दोषों को आप भी हत्या नहीं कर सकते, आप भी किसी की हत्या नहीं करोगे। क्यों किसी निर्दोष को आप मारोगे? क्योंकि आपके धर्म में तो ये सिखाया जाता है कि सबके अंदर वही ईश्वर बसा हुआ है। आपके धर्म में ये नहीं सिखाया जाता कि राम को ना मानने वाला जो है वो जीने का अधिकारी नहीं है। जो राम को नहीं मानता उस पर दया करने का सिखाया गया, वो दया के पात्र हैं। जो ईश्वर को नहीं मानता वो दया का पात्र है, ना कि वो हत्या कर देने का पात्र है। उसको प्रेम से धर्म की शिक्षा देनी चाहिए,
उसको प्रेम से उसको सब कुछ सिखाना चाहिए, ये हमारे सनातन धर्म ने ज्ञान दिया। और ध्यान जैसी चीज अगर एक सनातन धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, और ध्यान जो कि मोक्ष का एकमात्र द्वार है, अगर कोई इसको बताने वाला जीवित नहीं रहेगा तो किस प्रकार आगे सृष्टि चलेगी। पैदा होते रहेंगे और मरते रहेंगे और जीव जंतु बनते रहेंगे, कभी भी जो है आगे कोई गति नहीं होगी आत्मा की। तो इसलिए ये जो सृष्टि है इस वक्त बहुत बड़े विनाश की ओर जा रही है दोस्तों, आपको जागृत होना बहुत जरूरी है। और अब जो इस देश में कार्य हो रहे हैं, मैं अपने इस चैनल पर किसी भी तरह की कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी रिलीजन का व्यक्ति हो, सब के सब जब आपस में एक साथ बैठते हैं, बिजनेस करते हैं, अपनी पार्टीज करते हैं, दोस्ती उनकी चलती है, सब नॉर्मल में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक से जब भी कोई ऐसी घटना घटती है, कहीं पता चलता है कि किसी हिंदू ने किसी मुसलमान को मार दिया या किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को मार दिया, तो ना जाने वही भाई आपस में हथियार उठा लेते हैं। तो दोस्तों इस समस्या का हमें मूल जो है ना, इसका जड़ तक पहुंचना है। इसकी जड़ कहाँ है? इसकी जड़ जो किताबें हैं जिसके अंदर ऐसी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, वो बच्चों को जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है वो जड़ है असल में। और जो भी इनके धर्म के जो बड़े समाज के जो इनके ठेकेदार हैं, जो इनको जो इनके धर्म के बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, उनको सभी को एक बेंच पे ला करके समझाने की जरूरत है कि भाई जैसे तुम्हें जीने का अधिकार है वैसे सभी को जीने का अधिकार है। और ये कोई पूजा पद्धति नहीं है कि आप अपनी पूजा कर रहे हैं और हम अपनी पूजा कर रहे हैं। आपको भी आत्मा का साक्षात्कार करना है, आपने भी अपने आप को जानना है और हमने भी अपने आप को जानना है। पर ये जो लड़ाई की जो जड़ है, इस जड़ को जब तक खत्म नहीं करेंगे, क्यों एक मुस्लिम मुस्लिम को भाई कहता है और हिंदू को वो विरोधी क्यों समझता है? जब तक उसके अंदर वो जल रही नफरत का बीज खत्म नहीं किया जाएगा दोस्तों, तब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सरकारें आती रहेंगी जाते रहेंगी और एक दूसरे को लड़ा लड़ा करके वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करते रहेंगी। मैं अपने मुसलमान भाइयों को भी कह रहा हूँ, मुसलमान भाइयों मैं आपको भी कह रहा हूँ, आप भी इस बात को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाइए। और बड़े बड़े धर्म गुरुओं को एक मंच पर आकर के बैठने की जरूरत है। अगर आज कोई भी रिलीजन आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है, आज आप समझिए कि हिंदू धर्म जो है आपके अगेंस्ट अगर हो जाए तो आपके लिए भी इस देश में मुसीबत बढ़ेगी। और आने वाले समय में क्या होगा, आपके तो जैसे मैंने काफ़ी सारे लोग सुने, मैं यहाँ पे चैनल पे किसी का नाम नहीं लेना चाहता, फिर वो राजनीतिक आप समझोगे कि मैं कोई राजनीतिक बात कर रहा हूँ। खुले आम हैदराबाद का एक नेता कहता है कि 15 मिनट दे दो, पुलिस हटा दो, तो हम सभी को दिखा देंगे कि किसमें कितनी ताकत है। अरे 15 मिनट अगर ऐसा हो जाता तो पता नहीं भाई क्या होता इस देश के अंदर, कौन बचता या किसी का वजूद भी ना बचता, ये तो अभी कोई जानता ही नहीं है। वो तो उस वक्त किसके हाथ में तलवार होती और किसके हाथ में बंदूक होती है वो तय करता। इसलिए कभी भी अपने आप को बड़ा या सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जड़ कहाँ है, ये नफरत क्यों है, ये नफरत किस कारण से आ रही है, उस कारण पर मेरे भाई हमें काम करना है। अगर हम अभी जागते हुए हमारे अंदर इतना बोध होते हुए भी अगर हमने ये नफरत अपने धर्म से अपनी दुनिया से ना खत्म की, तो आने वाले समय में लाखों करोड़ों लाशों के ढेर लगे होंगे दुनिया के अंदर दोस्तों, और आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। छोटे छोटे बच्चे मार दिए जाएंगे, छोटी महिलाओं की बलात्कार किए जाएंगे, ये जो चीज़ें आज पहले भी आप हजारों बार देख चुके हो उस देश के अंदर, और फिर अब आबादी इस कंट्री की और ज़्यादा हो रही है, आने वाले समय में ये संकट और बड़ा होने वाला है। तो इसलिए हमें इस नफरत को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना है दोस्तों, इसके मूल कारण पर काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाएँ। और अपने अपने शहरों में जितने भी, अगर आपके मंदिर में अगर कोई बड़े पंडित जी हैं, कोई ज्ञानवान व्यक्ति है, कोई आश्रम है, वहाँ के कोई महंत हैं, उन सभी को आप इकट्ठा करें और उनको इकट्ठा करके अपने इलाके की जितने भी आपकी मस्जिदें हैं उनके जो धर्म गुरु हैं, जो वहाँ पर बड़े मौलवी हैं, उन सभी को आप बुलाएं एक जगह पर, उनकी पूरी मीटिंग इकट्ठी करें। हर व्यक्ति को ये कर्म बनता है, हर व्यक्ति का ये फर्ज है, हर एक व्यक्ति को ये काम करना है। आप ये मत सोचिए कि मुझे क्या, आप अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है, आपको ये कार्य आज ही अपने इलाके में शुरू करना है। अपने इलाके में अपने धर्म के बड़े व्यक्ति को लेके मुस्लिम समाज के मौलवियों को इकट्ठा करें, उनको आपस में एक जगह पर एक मंच पर बिठा करके अपने इलाके में प्रेम स्थापित करने की कोशिश करें। ये ना हो कि दिल्ली की तरह जैसे दंगा हुआ ऐसे ही हर जगह होना शुरू हो जाए। अब आने वाला समय देखो, अब योगी आदित्यनाथ जी ने जो है जनसंख्या कानून लगाया, इस पर भी लोगों को मन में ये चीज़ बैठी हुई है कि किसी एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि वो एक कंट्री का विषय हो चुका है। आज खाने पीने की समस्या हो चुकी है, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है घरों में, इतनी समस्या हो रही है, एजुकेशन नहीं लोगों तक पहुंच पा रही है, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी भारत जैसे छोटे से देश के अंदर, जो कि दुनिया के अंदर इसमें दूसरे समय दूसरे स्थान पर है, और हमारा जो एरिया है वो कितना कम है। आप रोज न्यूज़ में देख रहे हो, वो सब मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। परंतु मित्रों, आपको ये बात बड़ी अच्छे से समझनी पड़ेगी। आप अपने लेवल पे जब तक शुरू नहीं करोगे, आप ये सोचना कि एक दिन आपकी गर्दन कटनी तय है, फिर मत बोलना। एक बड़ा समाज का वर्ग जब भ्रमित हो जाए, अगर उसको वो हमारा कर्तव्य बनता है उनकी जड़ों को जो है वहां से उस समस्या को मिटाना, ना कि किसी व्यक्ति को मारना, इसका हल नहीं है। जितना मर्जी आप जोर लगा लो, कभी भी इस चीज से कोई हल नहीं निकलेगा। प्यार से और शांति से बैठ करके इस समस्या का हल निकलने वाला है, और जब सभी लोग बैठ करके कुछ ऐसा तय करें जो सभी को प्रेम देने वाला हो, सभी को खुशी देने वाला हो, सभी के ईश्वर को स्वीकार करने वाला हो। जब हम एक दूसरे के ईश्वर को, जो उसकी मान्यता है, ये भी केवल एक मान्यता है, उसका ईश्वर, ईश्वर तो एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, जिसने भी जाना है वो एक नहीं जाना है। परंतु जब इस मान्यता को जब तक हम पूरी तरह से खंडित नहीं करेंगे, तब तक दुनिया में शांति आना संभव नहीं है। मैं इतनी बड़ी आग में अपनी छोटी सी आहुति इस वीडियो के माध्यम से आज डाल रहा हूँ। अब आप देखता हूँ मेरी कितनी मदद करते हो इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाने में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः शिवाय।